हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतबीर और मैं आज आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 1983 तक ये माना जा रहा था इंटेलिजेंस सिर्फ वही है जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो और इंटेलिजेंस सिर्फ वही है जिसका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो। इंटेलिजेंस सिर्फ वही है जो इन्वेंशन करता हो। लेकिन 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को पेश करके इस कंसेप्ट को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा दुनिया में 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि क्लास में सिर्फ 2-3% ही स्टूडेंट होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, जिनको हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो बाकी के स्टूडेंट क्या हैं, वो क्या करने आते हैं? उनमें से भी कोई ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो दूसरों में नहीं होंगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल एवरेज है लेकिन वो इंटरपर्सनल स्किल रखते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट में लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट पेंटिंग की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। कुछ स्टूडेंट को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, उनमें डांस की क्वालिटीज़ हैं। कुछ स्टूडेंट को पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, वे आगे चलकर पोइट बनना चाहते हैं। उन्होंने पागलखाने में जाकर भी एक रिसर्च किया। उनको पता चला कि कुछ पागल ऐसे हैं जिनका दिमाग बिल्कुल नहीं है, जहाँ आईक्यू लेवल 0% है, फिर भी वो पेंटिंग करना जानते हैं, फिर भी वो डांस करना जानते हैं, फिर भी वो कुछ चीज़ों के जरिए म्यूजिक बजा सकते हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक किताब लिखी जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने ये साबित कर दिया कि 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक यदि इनमें से एक इंटेलिजेंस भी किसी बच्चे में है तो वह इंटेलिजेंस है। इनमें नंबर 1 पे आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके मुताबिक हम लैंग्वेज वर्ड को, आइडियाज़ को किस तरह हम स्किलफुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन चाहे वो रिटन में हो या स्पोकन में कितनी अच्छी है, किस तरह अपने आइडियाज़ को सही तरह से इंटरप्रेट या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव या राइटर हैं, ये सब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ये इंटेलिजेंस ज़्यादातर राइटर में होती है, हिस्टोरियन में होती है और पोइट्स में होती है, जो शायर होते हैं, ट्रांसलेटर में होती है, वो जानते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज के आइडियाज़ को अपनी शब्द लैंग्वेज में इस्तेमाल करने के लिए कौन से शब्द चाहिए, वो हर शब्द को कहाँ इस्तेमाल करना है वह जानते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर में पाई जाती है, वो भी अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जर्नलिस्ट में भी पाए जाते हैं, उनको भी हर बात को बेटर वे में पेश करना जानते हैं। ये इंटेलिजेंस वकीलों में भी पाई जाती है, वे अपने केस को इस तरह से पेश करते हैं सामने वाला जज भी कन्विंस हो जाता है। नेक्स्ट, ये इंटेलिजेंस मोटिवेशन स्पीकर, स्पिरिचुअल लीडर, बिजनेस लीडर या किसी भी लिहाज से वह बोलने वाला होना चाहिए, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस का ताल्लुक नंबर, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ है। मतलब यदि कोई प्रॉब्लम आती है, इसके पीछे के लॉजिक को समझना, कहीं में प्रोग्रामिंग में तो गलती नहीं है, उसकी वजह को समझना कि कहाँ गलती हुई है और उसे ठीक करना, उसके सारे बेसिक को समझना और हर बात में लॉजिक ढूंढना और उसे सॉल्व करना, ये सब लॉजिकल या मैथमेटिक्स में आता है। ये इंटेलिजेंस इन लोगों में जाहिर होती है, एनालिस्ट, जो काम को एनालिस्ट कहते हैं। सेकंड, आर्बिट्रेटर जो होते हैं, वो दो लोगों में सुलह करवाते हैं, वो पहले लॉजिक को ढूंढते हैं फिर फैसला करते हैं। तीसरा, बैंकर्स में पाया जाता है, उनको पता होता है कि कैसे कस्टमर की जेब से ज़्यादा कैसे निकाले जा सकते हैं और कहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है।
जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये इंटेलिजेंस अकाउंटेंट में भी पाई जाती है, वो अकाउंट्स की गलती को एक मिनट में पकड़ लेते हैं, नहीं तो एक आम आदमी इसको एक साल में भी नहीं पकड़ पाएगा। ये इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्रामर में भी पाई जाती है, उनको पता होता है कि कंप्यूटर में कहाँ प्रॉब्लम आई है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पर कोडिंग गलत है। ये इंटेलिजेंस इंजीनियर में भी पाई जाती है, उनको पता होता है कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और वो प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल होने वाली है, ये भी सिर्फ लॉजिकल इंटेलिजेंस की वजह से होता है। ये इंटेलिजेंस इंश्योरेंस ब्रोकर में भी पाई जाती है, वह जानता है कि किसी आदमी के लिए कौन सी पॉलिसी ठीक रहेगी। नेक्स्ट, ये इंटेलिजेंस रिसर्चर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट, ये इंटेलिजेंस साइंटिस्ट में भी पाई जाती है। ये इंटेलिजेंस फिलोसोफर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है नंबर 3, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें म्यूजिक, रिदम, पैटर्न, सिंगिंग, ह्यूमिंग, साउंड, म्यूजिक का मतलब, जैसे साउंड का मतलब होता है पियानो बजाना, बांसुरी बजाना, रिदम का मतलब गाने को पूरी रिदम में गाना, ह्यूमिंग का मतलब होता है जैसे किसी गाने को गुनगुनाना। म्यूजिक इंटेलिजेंस म्यूजिक कंपोजर में भी पाया जाता है, डीजे इंटरटेनर में भी पाया जाता है, जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिपेयर स्पेशलिस्ट में भी पाया जाता है, जो म्यूजिक फॉर्मर होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है, वॉइस रिकॉर्डर में भी ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ये सिंगर में पाया जाता है। इंटेलिजेंस है स्पेटियल विजुअल इंटेलिजेंस, आप अपने दिमाग में किस तरह से विजुलाइज कर सकते हो, इनको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन यानी आप पिक्चर में कितना ज़्यादा सोचते हो। यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तो आपके दिमाग में वो कहानी चल रही है या नहीं, कितनी सफाई से वो चल रही है, जितनी सफाई से वे चल रही होगी उतनी ये इंटेलिजेंस आपकी काम कर रही होगी। ये इंटेलिजेंस आर्टिस्ट में भी पाई जाती है, वे पहले से ही विजुलाइज कर लेते हैं। ये इंटेलिजेंस सिटी प्लानर में भी पाई जाती है, वे पहले से ही विजुलाइज कर लेते हैं कि कौन सी जगह पर क्या क्या होना चाहिए। ये ग्राफिक डिज़ाइनर में भी पाई जाती है, ये इन्वेंटर में भी पाई जाती है। इन्वेंटर मतलब नई चीज़ खोजते हैं, वो पहले अपने दिमाग में सवाल लेते हैं फिर उसे विजुलाइज करते हैं, अगर ये चीज़ हो तो कैसी होगी। ये फोटोग्राफर में भी पाई जाती है, वह पहले से विजुलाइज कर लेते हैं कि कौन सी जगह पर बेस्ट फोटोज़ आ सकती हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बाकी की मल्टीपल इंटेलिजेंस अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।